हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीएलएड थर्ड सेम की जो इंटर्नशिप फाइल बन रही है और जिसमें हमें पाठ योजना या लेसन प्लान बनाना है। उसमें मैंने एक सब्जेक्ट का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें संस्कृत है। ये संस्कृत का जो तीन हमको बनाना है, तो फर्स्ट जो मैंने इस क्लास वाइज बनाया है, क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पाठ योजना मैंने बनाया है। फर्स्ट आप नंबरिंग कर देना, अभी विद्यालय का नाम जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो डाल देना, छात्रा अध्यापिका या प्रशिक्षु का नाम डालना है आपको, आपको कक्षा डालनी है कौन सी कक्षा है, विषय डालना है, प्रकरण डालना है। उसके बाद ये दिनांक, कालांश और ये आप एक मैं स्लो मोशन में करके आपको दिखा रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड रही बात पीडीएफ की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो फर्स्ट हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है संस्कृत का, हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ आपको। फिर सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, आप जरूरी नहीं है शिक्षण विधि लिखे क्योंकि संस्कृत में तो इतना हमें स्पष्टीकरण या करना नहीं होता, हमें बस अनुवाद बताना होता है, तो आप ये देख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में भी मैंने लिखा हुआ है कि बच्चे दिनचर्या के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें आगे बढ़ना होगा। ये दूसरा पेज है, इसमें हमने प्रस्तावना प्रश्न डाला है। इसमें आपको कैसे क्रम संख्या और छात्रा अध्यापिका कथन, छात्रा कथन और संभावित उत्तर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन आपको पूछना होगा जिसके आंसर बच्चों को देना है। ऐसे आप करते रहोगे, फिर आपका जो क्वेश्चन लास्ट में आएगा वो समस्यात्मक प्रश्न होगा, बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं, उससे आप उद्देश्य कथन निकालोगे। तो बच्चों हम लोग दिनचर्या, जो मैंने प्रकरण लिया है, टॉपिक लिया है, वो दिनचर्या है, ये थर्ड क्लास का है, आप बुक देखेंगे उसमें है। तो नामक पाठ के संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे, तो दिनचर्या का प्रस्तुतिकरण होगा, प्रेजेंटेशन होगा कि आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो इसमें आपको अनुवाद बताना है, मैंने ये अनुच्छेद डाल दिया है, शोभा प्रातः क्रीड़ति ऐसे करके। उसके बाद आदर्श वाचन डालना है आपको, छात्राधिपति पाठ का वाचन करने के लिए, खास साथ हिंदी में अर्थ भी बताएंगी और सभी बच्चन छात्र छात्र क्रिया में आप देखेंगे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी तरह अगला पेज देखेंगे इसको, ठीक है। अनुकरण वाचन आएगा इसके बाद, अनुकरण वाचन बच्चे कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे तथा उच्चारण अभ्यास के साथ हिंदी में अर्थ भी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ इसी में है जो, और उसके बाद बोधात्मक प्रश्न आएगा, बोध प्रश्न आप लिख सकते हो। एंड आपको दिखाई दे रहा होगा श्यामपटकार भी आपको डालना है क्योंकि आपने श्यामपट में अर्थ लिखवाया होगा। उसके बाद निरीक्षणकार होगा, आप मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं बस फिर भी जूम करके आपको दिखा रही हूँ। निरीक्षणकार आ जाएगा, उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा, रिकैप्चुलेशन जिसे कहते हैं। उसके बाद आप होमवर्क या गृहकार्य दे सकते हैं, ठीक है। ये लेसन प्लान हो गया संस्कृत का थर्ड क्लास के लिए। अब फोर्थ क्लास के लिए क्या करना है आपको, एज इट इज़ सेम लिखना है आपको विषय संस्कृत, बस टॉपिक है आपका स्वच्छता, ठीक है। क्या टॉपिक लिया मैंने, स्वच्छता। आपको सामान्य उद्देश्य पूर्ववत डाला है क्योंकि मैंने टीचर से पूछा था तो उन्होंने बोला था अगर सेम सब्जेक्ट है तो सामान्य उद्देश्य भी सेम ही होता है। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव, तो सब सब्जेक्ट का सेम होगा, मतलब सब सब्जेक्ट नहीं, एक सब्जेक्ट अगर संस्कृत है उसका सेम होगा जो भी टॉपिक लेंगे, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है, स्पेसिफिक एम जो होता है वो अलग होता है। तो आप ऐसे बार बार लिखने से अच्छा एक पूर्ववत करके डाल सकते हैं, और जब आप लगाएंगे इंडेक्स में तो आप सीक्वेंस में संस्कृत का साथ में लगाना है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में आप डाल सकते हो स्वच्छता के बारे में, क्या आपका जो टॉपिक है उसी पर रिलेटेड आप विशिष्ट उद्देश्य डालते हैं। फिर सहायक सामग्री डालेंगे, पूर्व ज्ञान डालेंगे। उसके बाद सेम प्रस्तावना कौशल आ जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा कि बच्चे भोजन से पहले आप क्या करते हैं, हाथों की सफाई क्यों आवश्यक होती है, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। आगे भी क्वेश्चन ही ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, बच्चों घर की गंदगी कैसे दूर करते हो, साफ़ सफाई और क्या कहा जा सकता है, तो जो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा कि बच्चों आज हम लोग संस्कृत में स्वच्छता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। सेम प्रस्तुतिकरण भी आप ऐसे डालेंगे, वो आदर्श वाचन डालेंगे कि छात्रा अध्यापिका पाठ का वाचन करने के साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी समझाएंगे, ठीक है। फिर अनुकरण वाचन आ जाएगा, क्या अनुकरण वाचन में क्या होगा, छात्र अध्यापिका बच्चों से अनुकरण वाचन करवाएंगी, मतलब वो रीड करवाएंगी, कठिन शब्दों का अर्थ लिखवाएंगे, ठीक है। बोधात्मक प्रश्न आपको कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ग्राम में स्वच्छता को त्रस्ती, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को होना चाहिए नॉलेज इसका, तो को अपनी स्वच्छार्थ कुत्र न गच्छति, सर्वे बालिका कुत्र क्रीडन्ति, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है।
आगे भी मैंने डाला है श्यामपट्ट पर का कार्य आपको डालना है। इस पर मैंने श्यामपट्ट में जो शब्द अर्थ लिखवाया डाल दिया। पुनरावृत्ति प्रश्न भी आप लिख सकते हो। फिर गृह कार्य आपको डालना है होमवर्क में। अभी सभी सभी छात्र छात्राएं पाठ के अर्थ हिंदी में लिखकर तथा शब्द अर्थ याद करके आएंगे। जो मैं शेयर कर रही हूँ ये कहीं से प्लेजरिज्म नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं है, ये आप अपने मतलब खुद बनाना है आपको भी, क्योंकि ये टॉपिक मैंने लिया है, ये कहीं पे है नहीं इसका जो मैं टॉपिक लिया है मैंने। फिर उसके बाद पाठ योजना आता है, ये विद्यालय का नाम आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक लें और इसी पैटर्न में बनाएं, ठीक है। फिर विषय आ गया संस्कृत, ये क्लास 5th के लिए है और प्रकरण है लघु परिवार, ये संस्कृत है। अब मैंने सामान्य उद्देश्य बोला था कि एक बार आप लिख चुके हो तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और पेज की भी बर्बादी होगी, तो ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें क्या बताना चाहते हो, तो अब मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद सहायक सामग्री डालना, पूर्व ज्ञान, बच्चों को परिवार के बारे में सामान्य जानकारी है। सेम प्रस्तावना क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न आप पूछेंगे, बच्चों आप कहाँ रहते हो, गाँव में आप कहाँ रहते हो, घर में के साथ रहने वाले को क्या कहते हैं। उसके बाद आपके परिवार में कौन कौन रहता है, बच्चे ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है, फिर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद आपका उद्देश्य कथन आ जाएगा कि बच्चों हम संस्कृत विषय के लघु परिवार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण आपको सेम वैसे ही करना है, अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको छात्राध्यापक पाठ का आरोह अवरोह पूर्वक सस्वर वाचन करेंगी और परिवार का चित्र दिखाते हुए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद बताएंगी, ठीक है, आदर्श वाचन में। फिर ये छात्र छात्रा गतिविधि आपको लिखनी हुई हेडिंग ऐसे डालिए, ध्यानपूर्वक सभी बच्चे सुनेंगे और देखेंगे। फिर अनुकरण वाचन में क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों को पाठ के अनुवाद को समझेंगे और साथ में अनुकरण वाचन करेंगे, मतलब रीड करेंगे टीचर के साथ। फिर बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा, यह मेरा परिवार को संस्कृत में अनुवाद करेगी। मेरे माँ सरल स्वभाव की है, मेरी माँ, सॉरी मिस्टेक हो गई, मेरे माँ मेरी है यहाँ पे, मेरी माँ सरल स्वभाव की है, इसे संस्कृत में लिखे, ठीक है। इसके बाद सांपट कार्य आ जाएगा और निरीक्षण कार्य हो जाएगा कि छात्रा अध्यापक कक्षा में बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी तथा बच्चों की समस्याओं का निराकरण करेंगी, आपको निरीक्षण कार्य भी लिखना है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, आप ऐसे लिखेंगे। फिर गृह कार्य आएगा, सभी छात्र छात्राएं अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपने परिवार के विषय में 5 वाक्य संस्कृत में लिखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ अगर अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।